Now let's find out the application of log. ठीक है, log का application देखते हैं. ठीक है, तो ये application में हमारा है इसके. ठीक है, तो for example अगर आपको कोई ऐसे पूछता है, जैसे for example 10 की क्या power होगी कि मेरा number का value 31.62 होगा. चलिए ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि if I have 31.62 as a value, what power of 10 will give me 31.62? Now you will say, What you will say? See, आप बोलेंगे देखो यार मेरा नंबर अगर 10 की पावर 1 होता तो वो 10 देता, अगर 10 की पावर 2 है तो वो 100 देगा. ठीक है, तो 10 की क्या पावर मैं रखूंगा तो नंबर 31.62 देगा. सो इट विल बी सम नंबर बट आई डोंट नो दैट नंबर. ठीक है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू इज आई कैन टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. सो लॉग ऑफ 10, लेट्स से दैट दिस इज x, आपको x निकालना है. सो 10 रेज टू पावर ऑफ x बेस 10 इज लॉग ऑफ 31.62 to the base 10. So this is getting cancelled and it will become x is nothing but log of 31.62 to the base 10. ठीक है, तो अब यहां से अंडरस्टैंड करेंगे कि log का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे. अब यहां से हम डिसाइड करेंगे कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? ओके, नाउ ठीक है, तो अब आपका टास्क है कि log of 31.62 to the base 10 हम log टेबल से कैसे निकालेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप्स लिख रहा हूं आपको वो फॉलो करना है. तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू हैव अ log टेबल. आपके पास एक log टेबल होना चाहिए जिसमें आपको कॉमन log का सेक्शन आपको खोलना है. ठीक है, कॉमन log मैंने आपको बताया था जो कि log बेस 10 होता है. ठीक है, सी कॉमन log आपके पास आ गया. ठीक है, तो ये कॉमन log आपके पास आ गया, कॉमन log बेस 10 कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा. ठीक है, कॉमन लॉग बेस 10 आपके पास लिखा होगा. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो अगर आपके पास नंबर रहता था 31.62, ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है कि नंबर्स का पैटर्न अगर चेंज नहीं होता है सो दिस विल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एज 1 बिकॉज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 10 से लेके 100 तक अगर आप देखेंगे, 10 से लेके 100 तक कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग रहेगा. Characteristics क्या रहेगा, 1 रहेगा. Mantissa will remain same. So Mantissa for this we can find it. तो Mantissa आप बोल सकते हैं. Characteristics, how can I find out characteristics? मैंने आपको बताया था number of digits के केस में. अगर आपके पास number of digits 2 है तो उसका characteristic 1 होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 digit का number है, बाकी तो decimal part है. ठीक है, so characteristics will be 1. Now Mantissa is nothing but same as the numbers with the pattern 3162. तो 3162 नंबर्स का जो पैटर्न है वो अगर सेम रहता है तो Mantissa आपका सेम रहेगा. ठीक है, तो हम लॉग टेबल से 3162 की वैल्यू निकालेंगे और मुझे पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो Mantissa वहां से निकल आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी मैं Mantissa कैसे निकालता हूं. सो व्हेन यू हैव कॉमन लॉग टेबल तो उसमें आप पहले सर्च करेंगे फर्स्ट कॉलम में. ठीक है, आपके पास ऐसे कुछ कॉलम दी हुई है, यहां पे n लिखा हुआ है. ठीक है, आप सर्च देखेंगे n लिखा हुआ है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है. तो आपका जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो है 31. तो नंबर में आपको सर्च करना है जहां पे लिखा हुआ है 31. तो यहां पे कुछ 31 लिखा होगा, 30 लिखा होगा, 29 लिखा होगा, 28 लिखा होगा. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर सर्चिंग आउट 31. नाउ दिस 31, देन नेक्स्ट इज 6. तो यहां पे 1 2 3 हेडर कॉलम सा दे. ठीक है, सो 3, देन यू हैव टू गो टिल 6th वन. तो आपको 6th पे जाना है. तो अगर आप देखेंगे 31 और 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक कॉल ब्लॉक बन रहा है आपके पास, तो ये ब्लॉक में वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 4997. आप चेक कर लें. ठीक है, दिस इज देयर 4997. नाउ स्टिल 2 इज देयर. तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए कॉमन डिफरेंस के टेबल में जाएंगे. ठीक है, थोड़ा आप और साइड में जाएंगे, गो टू मोर राइट ऑफ इट. सो इफ यू गो मोर राइट, सो व्हेन इट गेट्स एंड यहां पे खत्म होता है जहां पे है ना, इट गेट्स ओवर टिल 9, देन देयर इज नथिंग बट अ कॉलम, प्रोपोर्शन का कॉलम है. ठीक है, ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन के कॉलम में हमारे को कहां देखना है, 2 पे देखना है. तो यहां पे भी कॉलम बने हुए हैं, जैसे कि छोटा वाला कॉलम होगा यहां पे, तो यहां बना होगा 1 2 एंड इट गोज ऑन. ठीक है, तो आपको 2 में देखना है. सो द सेम रो कॉरेस्पॉन्डिंग 2 हैज 3 ऑन इट. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 3 टू दिस बिकॉज इट्स नथिंग बट डिफरेंस फ्रॉम दिस पार्ट. इसके बाद और हम आगे जा रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4997 प्लस 3, दैट इज 5000. And this 5000, when I'm talking, is being Mantissa. I'm very sorry. This is Mantissa. So when I'm talking about this being Mantissa, the Mantissa is a fraction part. है ना, वो एक fraction है. तो इसका Mantissa का value क्या जाएगा? 0.5. तो जो मेरा number है x, तो x का value क्या जाएगा? 1.5.
ठीक है. सो log of 31.62 has a value 1.5. तो अब क्या कर लेंगे, 10 raised to 1.5 is nothing but 31.62. ठीक है, कोई आपसे पूछेगा, अगर आपसे मान लेते हैं पूछ लिया किसी ने 30, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 30 is n raised to what, आपको निकालना है 10 की क्या पावर आपको आंसर 30 देगा. तो आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे log of 30 base 10. ठीक है, अब log 30 base 10 मुझे पता है 0.4771 होता है, लेकिन मैं log table से आपको बताऊंगा, देखो कैसे देख सकते हो. सी when I'm talking about 30, it's two digit number, so characteristics will be 1. तो ये characteristic हो गया, plus mantissa की हम बात करते हैं. अब mantissa 30 को ढूंढो, देखो n में 30 होना चाहिए, तो जहां यहां n है तो ये 30 है, तो 30 के corresponding क्या है, 0 पे ढूंढना है आपको. तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4771 लिखा हुआ है, you can see. ठीक है, यहां पे लिखा है 4914, आप चेक कर ले. So 4771, so what can I say, 4771, तो यहां पे आ जाएगा 4771, but this is a mantissa, so 0.4771. so what is log 30, तो 30 किस 10 की पावर पे आएगा, 1.4771 पे आपको ये मिलेगा. so if 10 raised to this is there, then the answer is 30. ठीक है, so note this down, है ना, then we'll be going for the next part. now here are three questions of the same kind that I have given to you. ठीक है, what are the questions? You have to find out the value of log of 25.795 to the base 10. इसका मतलब क्या है, आपको निकालना है. सी, आपको अंडरस्टैंड करना है हम फाइंड आउट कर क्या रहे हैं. हम फाइंड आउट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ x, जिस द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इफ आई डू 10 रेज टू x आई विल गेट 25.795. तो रफ एस्टिमेशन आपको आंसर का कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले पता चल जाना चाहिए. ठीक है, देखो 25 नंबर है दो डिजिट का, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 होगा. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 होगा. अच्छा, इसके पास 1 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसके पास डेसिमल से पहले कितने जीरोस हैं, 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1 होगा, एक कम. ठीक है, हमेशा एक कम लेंगे. ठीक है, नाउ सो आई हैव कैरेक्टरिस्टिक्स विद मी. ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया कि भाई ये नंबर की पावर क्या है ना, व्हाट इज द पावर ऑफ 10, 10 की पावर 1 point something, 2 point something, 3 point something और 0 point something, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, तो वो है क्या. नेक्स्ट, अब मैंने आपको एक चीज बताई है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द mantissa, mantissa रिमेन्स सेम. ठीक है, इट रिमेन्स सेम फॉर द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स बीइंग सेम, फॉर ऑर्डर बीइंग सेम. तो अगर आपका ऑर्डर सेम है तो आपका mantissa सेम रहेगा. तो हम किस नंबर के लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 25795 के लिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स गो फॉर द लॉग टेबल, लॉग टेबल की तरफ जाते हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन द लॉग टेबल इज नथिंग बट 25. आपको ढूंढना है 25 कहां है, फर्स्ट कॉलम में नंबर्स के. तो नंबर में यहां कहीं 25 है. ठीक है, तो यहां कहीं 25 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो में आपको सर्च करना है कि 7 कहां पर है आपके पास. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट वेयर द 7 इज. तो 7 मेरे पास यहां पर कहीं है. ठीक है, देखो यहां पर नंबर दिए हुए हैं 1, 2, तो ऐसे चलता जाएगा. तो आपको 7 ढूंढना है. तो 25 वाली रो में कॉरेस्पॉन्डिंग टू 7 कॉलम द नंबर दैट आई हैव हियर इज 4099. नाउ नेक्स्ट इज 9, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है इसका 9. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां वाले कॉलम में जाऊंगा, डिफरेंस वाले में. ठीक है, डिफरेंस वाले कॉलम में जाऊंगा. ठीक है, डिफरेंस वाले कॉलम में भी फिर दिया रहता है 1, 2, 3, 4, ऐसे चलता जाएगा. तो यहां पर जहां 9 है और सेम रो को हम देख रहे हैं, ठीक है, सेम रो को मैं देख रहा हूं. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 9 व्हाट डू आई हैव, हियर इज 15. ठीक है, तो क्या मैं ऐड नहीं कर सकता इसको, इसको. अब आप मुझसे बोलेंगे सर ये 5 का, ये 5 का हम पूछ नहीं कर सकते. ठीक है, हमारी लॉग टेबल आपको 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक बता सकती है आफ्टर द डेसिमल, उसके बाद का हम नहीं कर सकते कुछ. ठीक है, तो यहां तक की हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा 4099 + 15, तो आपके आंसर आ जाएगा 4114. ठीक है, 4114 एंड दैट इज नथिंग बट द mantissa. तो mantissa हमेशा कैसे लिखते हैं हम, तो नंबर आ जाएगा 1.4114 -1. अब देखो ये पहले लिख देता हूं 4114. ठीक है, अब जब भी लॉग में आप नेगेटिव नंबर आता है तो -1.4114 नहीं लिखेंगे. देखो -1.4114 ये लिखा मैंने, तो ये चीज गलत हो जाएगा, इसके लिए गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा, देखो ये गलत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, देखो क्यों, क्योंकि लिखा रहता है -1 + 0.4114.
ठीक है, तो ये ऐसे रहता है माइनस वन प्लस 0.4114 ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस, देखो हमेशा कभी भी हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो आ जाएगा 5, 8, 8 एंड 6, तो आपका आंसर 0.5886 है। तो क्या मतलब है इसका, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 0.5886 इज नथिंग बट 2.5795। अगेन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ, सॉरी दिस इज नथिंग बट 0.25, ठीक है, सेकेंड वाले के लिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, 10 रेज़ टू पावर ऑफ 0.4114, दिस गिव्स यू व्हाट, दिस गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू 2.5795, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज क्या देती है, ये देता है वैल्यू की 10 की क्या पावर होनी चाहिए, तो मुझे ये आंसर मिलेगा। तो मैं दोनों साइड लॉक लेता हूं और सॉल्व करता हूं, ठीक है। अच्छा, ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर फॉर यू, ओके। अब देखो इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, देखो माइनस वन प्लस 0.4114, सो If I don't have to write this big thing again, मैं को इसको पूरे को वापस से नहीं लिखना, तो मैं क्या करूंगा 1.4114 लिखूंगा और 1 के ऊपर बार लगा दूंगा। Now this bar indicates that this is negative. Do I make sense? ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1 के ऊपर बार डॉट 4114. This shows that characteristics is minus 1 and this is the matrix. So this is the way of writing it. ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। नोट दिस,